2022 टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई है। रोहित शर्मा की कप्तानी की निगरानी में टीम इंडिया ये टी20 वर्ल्ड कप खेलने वाली है। बुमराह की चोट के कारण बुमराह टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। अब देखना ये होगा कि बुमराह के रिप्लेसमेंट के तौर पर BCCI किसको चूज करती है। स्टैंड बाय में बैठे चार बॉलर इस जगह के दावेदार है, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, दीपक चाहर और उमरान मलिक। अब BCCI को ये फैसला करना है कि इन चारों में से किसको खिलाएंगे टी20 वर्ल्ड कप। अगर उमरान मलिक को इस टी20 वर्ल्ड कप खिलाया जाता है तो भारतीय टीम को सीधे 3 फायदे होने वाले हैं। अब वो कौन से 3 फायदे हैं, आइए आपको हम बताते हैं इस रिपोर्ट में। दोस्तों, सबसे पहले बड़े फायदे की बात करें तो टीम इंडिया के पास ऐसा कोई एक्स्ट्रा पेस बॉलर नहीं है। इस बार IPL 2022 सीजन में सबसे तेज फेंकी गई टॉप 5 बॉलों में से 3 उमरान मलिक की थी। उन्होंने 157, 155 और 154 की रफ्तार से ये गेंद डाली थी। ये क्षमता दीपक चाहर, हर्षद पटेल और अर्शदीप सिंह में भी नहीं है। सिराज और उमेश यादव के पास एक्यूरेसी भले ही हो लेकिन गति नहीं है, मगर उमरान आपको यह दोनों चीजें देने की काबिलियत रखते हैं। ऐसे में भारतीय टीम को अपनों बॉलिंग अटैक में वैरायटी रखनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में उछाल और गति वाली पिचों के लिए लगभग हर टीम के पास ऐसा ही एक स्पीड स्टार है। ऑस्ट्रेलिया में टीम तो लगभग हर गेंदबाज इन पिचों पर कमाल दिखा सकता है, मगर भारतीय टीम में ऐसा कोई नहीं है। ऐसे में टीम मैनेजमेंट को भी अपने तरकश में ऐसा तीर रखना चाहिए। बीच के ओवर में खतरा बन सकते हैं उमरान मलिक। जहाँ दोस्तों टी20 फॉर्मेट में बुमराह को अक्सर कुछ और पावर प्ले में और बाकी ओवर डेथ ओवर में करते हुए देखा जाता है, मगर उमरान आपको बीच के ओवर में मजबूती दे सकते हैं। यह कप्तान के लिए एक त्रुप का इक्का साबित हो सकता है। उमरान की गति नए बल्लेबाज को परेशान कर सकती है और रन की गति को धीमी कर सकती है। मिडल ऑर्डर में ऐसा एक काम दीपक चाहर और अर्शदीप सिंह नहीं कर सकती। IPL 2022 सीजन में भी उमरान मलिक सबसे ज्यादा 22 विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज रहे थे। उनके बाद मोहम्मद शमी ने 20 विकेट लिए थे और हर्षद पटेल ने 19 विकेट झटके थे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा मिडल ऑर्डर में उमरान को किसी भी स्पिन, रविचंद्र अश्विन हो या फिर युजेंद्र चहल, उनके साथ कभी भी रोटेट कर सकते हैं। मिडल ओवर्स में उमरान आपको आक्रमकता देते हैं, वह नए बल्लेबाज को क्रीज पर जमने नहीं देते और लगातार अपनी गति से परेशान करते हैं। तीसरे फायदे की बात करें तो रिस्क लेने पर ही अच्छे परिणाम की सोच सकेंगे। इस बार ऑस्ट्रेलिया की पिचों पर वर्ल्ड कप खेलना है, ऐसे में सिराज को नज़रअंदाज करना उमरान को लेना एक बड़ा रिस्क हो सकता है।